जीवन धारी। गोपी जन बल्लभा गिरीवर धारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना यमुना तीरा मनचारी, यमुना तीरा, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचारी श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चेतन प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगा मई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सांबेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। मिलकर सारे बोलेंगे
नमः ओम विष्णु पदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रजा निर्विश शून्यवादी पाश्चातदी सतारने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्य हरे कृष्ण। आज 24 तारीख है और दिन कौन सा? आज शुक्रवार 24 तारीख शुक्रवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद, इंटरनेट में भी सुनने वालों का स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद ये बातें समझाते हैं और हमारा अगर सौभाग्य हो और प्रभुपाद जी जैसे संत समझाने वाले हों तो बातें थोड़ी समझ में आ सकती हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। जैसे एक बात प्रभुपाद ने कही है, एक बार किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया। उसके जो परिवार के थे उन्होंने कहा जज को, भाई ये पागल है इसलिए इसने ऐसा किया। पागल को छोड़ दिया जाता है, वो पागल। तो जज ने सर्जन बुलाया, डॉक्टर भाई इसको चेक करो कि पागल है या नहीं है। सर्जन ने उसको चेक किया और जज को रिपोर्ट क्या दी, उसने क्या कहा कि मैंने ये देखा मोर लाइफ सभी पागल हैं। ये प्रॉपर कहते हैं सभी पागल हैं, सभी को बीमारी लगी है, हम सभी बीमार हैं। बीमारी की हालत में कुछ समझ नहीं आता। बीमारी क्या? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या, ये सारी बीमारियां काम से शुरू होती हैं और सबको ये बीमारी लगी हुई है, सारे दोष इसी से आते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या समझाया है और हम जो काम विकार से पीड़ित हैं, दोषों से भरे पड़े लोग हैं, हम लोग पागल की तरह व्यवहार करते हैं, समझ नहीं कुछ भी आता। जो शुद्ध भक्त हम जैसे प्रभुपाद जी, वो जो कह रहे हैं वही सही है और उनके माध्यम से ही हमको बातें समझ में आ सकती हैं। इसलिए कहा है, बड़े अच्छे शब्द कहे हैं, आग लगी संसार में, बरसने लगे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार।
आग लगी है, क्या आग लगी है? काम अग्नि, ये ऐसी आग है दिखती नहीं पर भस्म करती है जीव को, भस्म कर देती है पुरुष को भी और स्त्री को भी। तो जब ऐसी आग लगती है तो अंगारे बरसते हैं। अगर संत नहीं होते, संत नहीं आते पृथ्वी पर, तो सारी दुनिया जलकर राख हो जाती। इतनी भयंकर अग्नि है ये। तो प्रभुपाद जी ने बात ये समझाई है, याद रखो कुछ समझना है तो जरूर प्रभुपाद जी का नाम ले लो, उनके चरणों का ध्यान कर लो, क्योंकि प्रभुपाद ऐसे संत हैं जिन्होंने असंभव को संभव किया। ये संभव नहीं था कि ये गोरे लोग, विदेशी लोग, हर प्रकार के, उनके जितने बड़े सुंदर बड़े हैं, गोरे हैं, नक्शनैन बड़े अच्छे हैं, लेकिन काम उनके इतने गंदे हैं ये कोई सोच नहीं सकता। ऐसे ऐसे गंदे काम वो लोग करते हैं। उन लोगों को सुन है तो वो भी आत्मा है, सभी आत्मा है। उन आत्मा को भी प्रभुपाद जी ने मार्ग फैला दिया, समझा दिया। तो ये कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। यहाँ के संत थे, वो भी बंगाल से थे, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, याद आ जाएगा तो। राधा रमन मंत्र से उनका संपर्क था। एक और प्रभुपाद जी के तिरुभा पे वो बोलने आए, हम भी वहीं बैठे थे। उनका कि ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकता जो इन्होंने किया? ये बड़ी महान आत्मा है, ये कोई अवतार है जिन्होंने ऐसा किया। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि भगवान जो है सबका भला चाहते हैं। हम जो दूषित लोग हैं भगवान को भी केवल उल्टे सीधे शब्द कह देते हैं, पागल लोग हैं, कुछ भी कह देंगे। जैसे एक बात प्रभुपाद समझाते हैं, भूते पावो, भूत का प्रवेश हो गया है। जब भूत का प्रवेश किसी में हो जाता है तो ये जो काम रूपी भूत का प्रवेश सभी में हुआ है, जीव जो है अंटशंट बोलता है, उल्टी सीधी बातें करेगा, ठीक बात नहीं करेगा। तो प्रभुपाद ने ये समझाया कि भगवान सबका भला चाहने वाले हैं, वो सबके शुभ चिंतक हैं। हमारी दृष्टि खराब होने के कारण हम भगवान को ऐसा नहीं देख सकते, दृष्टि का दोष है। जैसे कोई आदमी चोर है, वो सभी को चोर देखता है, पर सब चोर थोड़े हैं, अच्छे भी तो हैं, पर उसकी दृष्टि चोरों वाली है, इसलिए वो सबको चोर की दृष्टि से देखता। तो प्रभुपाद जो हैं बड़े उच्च कोटि के वैष्णव, एक अवतारी को आप उनको, वो ये समझा रहे हैं भगवान सबका भला चाहने वाले हैं। मेरे मलिन मन को तो कुछ और ही लगता है, मन मलिन है, लेकिन जिनके मन शुद्ध हैं, जो भगवान के भक्त हैं। अभी देखो जैसे प्रभुपाद जी ने, अभी मंदिर में जाओ जहाँ गौ निताय का आल्टर है, वहाँ प्रभुपाद जी ने जब यहाँ इस मंदिर की स्थापना हुई 1975 में, तो प्रभुपाद कृपा से मैं भी यहीं था, उन्होंने अपनी मूर्ति स्थापित की। तो किसी ने कहा उनको कि आप अपनी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, लोग आएंगे आपसे प्रार्थना करेंगे, आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे उनके, ये है वो।
प्रभुपद कहते मैं जानता हूं। ये नहीं कि उनको शौक था अपनी मूर्ति अपने पूजा कराने का, नहीं, संतों को नहीं होता। उनका शौक उनकी चाक बाकियों का भला हो, लोगों का भला हो। ये भला सच्चे संत ही सोच सकते हैं। जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय शुद्ध है, वो ही सोच सकते हैं। बाकी हम सब लोग स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, कि हम लोग जो हैं इस काम विकार से पीड़ित हैं, बस इससे सारे दोष से आ जाते हैं। तो भगवान सबका भला चाहने वाले हैं। प्रभुपाद कहते हैं, समझा रहे हैं, अगर भगवान सबका भला चाहने वाले नहीं होते तो क्यों सतयुग में वो राम के रूप में आए, सतयुग में हंस के रूप में, हंस भगवान, हंस अवतार सतयुग में, त्रेता युग में राम के रूप में आए। ये जो भजन है जरा सुनाई देते हैं उनको आज। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम, हरि बोल, क्या कह हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी तुम राम रूप में आना, सीता को साथ में लाना, धनुष हाथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम श्याम रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके, राधा साथ चले आना प्रभु जी, चले आना। राधा कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, ल
लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके लक्ष्मी साथ चक्र चले आना प्रभु जी चले आना ले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सारे बोलो प्रेम से हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गोविंद जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन गोविंद जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय तो भगवान आते हैं किस लिए हम लोगों को यहां से ले जाने के लिए पर हम लोग इतने मूर्ख हैं इतने बंधन में मुंह मारे में पड़े हुए हम नहीं जाना चाहते जैसे एक उदाहरण हम दे रहे थे धृतराष्ट्र का धृतराष्ट्र जो था प्रभुपद कहते हैं जन्मांध था और उसकी आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं थी अंधा तो था आध्यात्मिक तौर पर भी अंधा था अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन को
वो राजा बनाना चाहता था, जबकि बिल्कुल योग्य नहीं था इसके। उसने पूरा प्रयास किया और पांडवों को, जो उसके भाई के बच्चे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनको बड़ा कष्ट दिया, बेचारों को बहुत कष्ट दिया। आखिर वो पंजाबी में शब्द हैं, जे तरमते पांडु ना होंदे दुर्योधन कदी न मरदा। पांडु धर्म पे चल रहे थे और दुर्योधन का अंत हो गया, मर गया, खत्म हो गया, सारा दुष्ट वंश जो था खत्म हो गया। अभी वो अंधा बच गया, अंधा तो युद्ध नहीं कर सकता। अभी पांडव देखो कितने महान हैं, उसके बड़ा पिता, उनके पिता का बड़ा भाई था, पालन कर रहे हैं बड़े प्रेम से, और वो मोह माया फंसा हुआ है। उधर से विदुर जी जो हैं, जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकल पड़े थे। बोलो विदुर जी महाराज की। विदुर जी महाराज आए तो उन्होंने देखा कि वो गंधारी जो गंधार की थी, कावड़ गंधार वहाँ की थी, सारा संसार भारतवर्ष था। ये गंधारी जो थी वह सती नारियों में उसका नाम आता है। उसने देखा कि मेरा होने वाला पति जो है अंधा है, उसने पट्टी बांध ली आंखों में। वो बेचारी उसके साथ ही रहती थी। तो विदुर जी ने उसको धृतराष्ट्र को खाते में शर्म नहीं आती, तो उन्होंने बच्चों के साथ कितना अन्याय किया है, और तेरे अन्याय के कारण सारा परिवार तेरा खत्म हो गया है, अभी तू इनके साथ ही रह रहा है, तुम्हें आगे का कोई परलोक का कोई ध्यान नहीं, और पांडव बेचारे पिता की तरह पालन कर रहे हैं, दोनों का माता पिता की तरह बड़ा ध्यान कर रहे हैं। कुंती माता भी बहुत अच्छी थी पांडवों की माँ, पांडव भी बहुत अच्छे, द्रौपदी माता भी बहुत अच्छी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती, प्रताड़ना की और रात को उठा के ले गए जंगल में उसको। बेचारे युधिष्ठिर जी निकल पड़े पांडवों को, कहाँ के बड़े पिता कहाँ, जंगल में ढूंढ रहे हैं उनको, खोज रहे हैं। तो दुष्ट जो है अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ता, लेकिन सज्जन को अपनी सज्जनता ही नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अच्छे का परिणाम ही अच्छा है। दुर्योधन की भावना, धृतराष्ट्र की भावना अच्छी नहीं थी, परिणाम सर्वनाश। पांडवों की भावना अच्छी थी, बेचारों को कष्ट तो हुए, वनवास जाना पड़ा, राज्य छीन लिया, क्या क्या कष्ट दिए, जहर दिया, उन्होंने सब सहन किया, परिणाम। और अंग्रेजी में कहा है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, सब अच्छा अगर अंत अच्छा है, अगर अंत अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। अंत का सबको सोचना चाहिए। हम अंत को भूल जाते हैं, वर्तमान में ही फंसे रहते हैं, ये भूल जाते हैं एक दिन मैंने ये शरीर छोड़ना है। तो भगवान हमें ले जाने के लिए आते हैं, और उनकी वाणी भगवद गीता असल में जो भगवान के सखा हैं अर्जुन, वो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बड़े महान हैं, लेकिन भगवत इच्छा से वो एक साधारण आदमी की तरह बातें कर रहे हैं। हम साधारण हैं, हमारे कल्याण के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान को। जैसे एक जगह गीता में अर्जुन ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, तू नहीं जानता। नहीं, इससे पहले भगवान ने कहा कि अर्जुन ये गीता मैंने तेरे तुम्हें सुना रहा हूँ, करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने ये सूर्य देव विवस्वन को सुनाई थी,
वैवस्वत ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने अभ्रावित, ये परंपरा चली आ रही थी। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजा श्रयो विदु सा काले न महता योग नष्ट परंतपा। ये परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा करोड़ों सालों से। तो अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आप योग हैं, ठीक है, साधारण में आपका और मेरा जन्म तो अभी हुआ है, करोड़ों वर्ष पूर्व कैसे आपने ये गीता अर्जुन को सुनाई, उसको सूर्यदेव को सुनाई। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं सबको जानता हूं, तू नहीं जानता। भगवान आते हैं, केवल हम जो उनसे बिछड़े हुए जीव हैं, हम सब भगवान के, इसकी पुष्टि गीता में भगवान ने की है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं। मना शस्त्रानी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कर्षति, अभी छह इंद्रिय मन के साथ, छठा मन है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छठा मन। जीव जहां बड़ा संघर्ष कर रहा है, भगवान कहते हैं मेरी जो भौतिक प्रकृति है उस पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है, उसको नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। बड़े आए कहाँ हैं सब गए, कईयों ने प्रयास किया, कई चले गए, बड़े पाप करने वाले आए। एक खुमेनी था ईरान का, कहते हर पता नहीं 5 मिनट के बाद एक आदमी को मारता था, लोगों को मारे, बड़े लोग मारे, कहाँ हैं वो भी। हिटलर ने बहुत लोग मारे, कहाँ है हिटलर। रावण ने बड़ा आंतक फैला रखा था, कहाँ है रावण। शिशुपाल, जरासंध, कहाँ है ये सब। कंस का बड़ा आंतक था, कहाँ है कंस, सब खत्म चले गए, समय खा गया है। समय जो है, रावण, रावण में इतनी शक्ति थी कि एक बार रावण का विमान उड़ रहा था, उसके पास विमान था, ये ऐसे विमान नहीं, वो तो कहने पर विमान चल पड़ता, कहने पर रुक जाता। विमान रावण का उड़ रहा था, उसका मामा मारीच उसके साथ था। क्या हुआ, विमान हवा में रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा। रावण को क्रोध आ रहा कि विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तब मारीच ने कहा, उसके मामा ने, लंकेश, हो सकता है कि वायु के कारण, वायु की गति ठीक ना हो, इसलिए तेरा विमान आगे नहीं बढ़ रहा। तब रावण ने शब्द कहे, वायु की क्या शक्ति जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल चल सके, मुझसे वृद्ध होकर आकाश मंडल में उड़ सके, वो तो चीज ही क्या है, काल की आज मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल बीबी का ये बुझ दंड, प्रचंड नराकत घोर घमंड किसी का। क्रोध ना आए विरोध ना हो, अपमान करे एक श्वान गली का, रोक लिया न मंडल में किन वाहन रावण लंकपति का। भाई मैं वायु की शक्ति है, काल, यमराज जब अपने सिंहासन पर बैठता था ना, तो यमराज के ऊपर पांव रख के बैठता था रावण, कहाँ है वो, और यमराज ने उसको भी नहीं छोड़ा। तो सब काल के ग्रास बन गए, सब बनने वाले हैं, लेकिन काल का ग्रास बनने वाला वो सही है जिसने प्रभु का चरण में अपने मन को लगा लिया, जिसने हरि चरण में मन को लगा लिया, जिसने इस संसार से वैराग उत्पन्न कर लिया और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न कर लिया, उसका जाना अच्छा होगा, बाकी सबका जाना व्यर्थ। क्यों, वही जैसे शंकर भगवान ने कहा है कि
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुन पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मजे शंकर वाक्य है ये गोविंद को भजो गोविंद को भजो गोविंद को ही भजो क्यों बार बार तेरा जन्म हो रहा है बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है शंकर हमको मूढ़ मते गधा कह रहे हैं मूर्ख ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है इसलिए इस बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए हर ओर से मन को हटाकर मूर्ख हमको मूर्ख कह रहे हैं शंकर भगवान हम मूर्ख हैं या नहीं है इधर से थोड़ी सी आवाज आई इधर से कोई आवाज ही नहीं ऐसा बुद्धिमान बैठे हुए हैं या नहीं है सभी मूर्ख हैं बुद्धिमान होते तो धाम ही होते यहाँ पर हम आवागमन में फंसे हुए हैं ना मूर्ख हैं चाहे कोई भी पद है मूर्ख है तो महादेव कह रहे हैं मूर्ख गोविंद को भजो गोविंद को भजो गोविंद को ही भजो गोविंद ही तेरे जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता देवों में देव महादेव रावण किसका भक्त था शंकर का बड़ी शक्ति थी उसमें लेकिन जब राम भगवान ने रावण को मारना चाहा तो उस समय क्या हुआ रावण पहले तो सारा मूर्ख था रावण राक्षस था सारा परिवार खत्म कराया उसने कुंभकर्ण को ही मरवा दिया मेघनाद ने बड़ी शक्ति थी वो भी मर गया बड़े बड़े योद्धा थे सारे राक्षस मरवा दिए मर गए ये सोच कर भी ये मार देंगे इनको वनवासियों को भगवान की लीला ये राम लक्ष्मण जो वनवासी हैं जिनको पिता ने घर से निकाल दिया है मूर्ख ऐसा सोचते हैं ना मैं मार दूंगा इनको आखिरी समय खुद लड़ने लगा तो भगवान ने जो है भगवान लीला कर रहे हैं बार बार मार रहे हैं बार बार जिंदा हो जाता है वो तब भविष्य ने कहा ना कि घर का भेदी लंका ढाए भविष्य जी कहते हैं प्रभु इसकी नाभि में अमृत कुंड है वो जब तक नहीं सूखेगा ये मरने वाला नहीं है तो नाभि में बांध मारा भगवान ने अमृत कुंड को सुखाया आखिर रावण धराशायी हो गया रावण आखिर में मरा और जब मरा रावण तो उसके कुल में कोई पानी देने वाला उसको नहीं था सब समाप्त हो चुके थे तो हमें शिक्षाएं लेनी है इन बातों से इन घटनाओं से हम लोग भी सब समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं पर मन हमारे इतने विचलित हैं कि वो कन्हैया के चरणों में नहीं लग रहे कृष्ण के चरणों में नहीं लग रहे पर प्रयास करते रहना है एक दोहा मुझे याद आ रहा है सुनाता हूँ आपको
राम नाम जपते रहो। श्याम नाम जपते रहो। कृष्ण नाम जपते रहो। हरे कृष्ण जपते रहो। हरे जब लग घट में प्राण, जब कभी तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। भगवान बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, इसलिए उनको दीन दयाल कहा है। जब तक घट में प्राण है नाम जपते रहो, बस हिम्मत नहीं हारो। राम नाम जपते रहो। जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कभी ना कभी भगवान को सुनाई देगा, लगे रहो, लगे रहो बस नाम। यही जीवन का उद्देश्य है। बाकी जो कुछ हमने सोच रखा है ना, या कर रहे हैं या किया, ये सब मलिन मन की भटकना है, ये सब मलिन मन की भटकना है। और मलिन मन जो है ये बड़ा दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा ये मलिन मन है। तो भगवान पृथ्वी पर आते हैं हमें यहां से ले जाने के लिए, और सुंदर गीता का गायन करते हैं। गीता क्यों भगवान गाते हैं? अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। क्यों? हम लोगों को मार्गदर्शन। अभी हम तो योग्य तो है नहीं भगवान को देखने के। योग्यता क्या है? क्या हमें पूर्ण रूप से शुद्ध होना है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या सबसे मुक्त, वो तो इनसे भरे पड़े हैं हम लोग। हैं भरे पड़े? नहीं हैं, सब भरे पड़े हैं। तो ऐसी हालत में थोड़ा भगवान देखेंगे। प्रभुपाद की जगह कहते हैं, परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्धि कैसी होगी? उन्हीं का सिमरन करके, उनका ही नाम लेकर के, उन्हीं की भक्ति करके, बस भक्ति करके, भगवान का नाम लेकर के। हम धीरे धीरे शुद्ध हो पाएंगे। जब शुद्धि हो जाएगी तो याद रखो, भगवान दूर नहीं, वो बड़ी कृपा करके परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति। परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं। तो जब शुद्ध हो जाएंगे, वो बैठे हैं, आगे बैठे हैं भगवान हमारे हृदय। अभी ये अशुद्धि, अशुद्धि से क्या आ गया? अहंकार आ गया। ये अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। किसी को भी किसी चीज का अहंकार है, चाहे पुरुष है या स्त्री है। अगर किसी की शक्ल थोड़ी सी अच्छी है, उसी का अहंकार में बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदरी हूँ, ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे एक नाटक प्रभुपाद जी के समय में दिखाया गया, वो एक बड़ी सुंदर स्त्री थी, जो उस पर आसक्त हो गया। कौन था वो? कोई बड़ा कोई आदमी था, राजा था, लगे आजा। उसने बोला, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी सुंदरता से मैं बड़ा आकर्षित हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने बोला, अच्छा हफ्ते के बाद आना। उस माता ने क्या किया, वो बड़ी भक्त माता थी, उसने पेट साफ करने वाली की दवाई खाई
और सारा मतलब गंद जमा कर दिया उसने एक बाल्टी के अंदर, और कमजोर ऐसे हो गई, शक्ल बदल गई। तो आया वो, कहे तुम कौन हो, तुम मेरे साथ ही तो शादी करना चाहते हैं, तेरी सुंदरता कहाँ गई। और दिखाई उसने गंदगी, कहती यही है मेरी सुंदरता, गंद जो बाल्टी में भरा हुआ था, ये क्या शरीर है, मलमूत्र का भरा हुआ है, इसी से हम आसक्त हैं, पुरुष भी पागल स्त्री भी पागल। ये सब चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए कहा है ना, जगत में कोई न परमानेंट, जगत जगत में कोई न परमानंद, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चाहे लगाओ संत, जगत में कोई न परमानंद, जग बातें याद रखने की, थोड़े समय के लिए दिमाग खराब हो गया, ये पता नहीं कभी भी बुलाव आ जाएगा। जगत में कोई न परमानंद, जगत आवागमन लगी दुनिया में, जगत का रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टंट, जगत में कोई न परमानंद, जग हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, चाहे धोती पहनो जा पेंट, जगत में कोई ना परमानंद, जगत में कोई ना परमानंद। राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो जा जन, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। साधु संत की संगत कर लो, प्रभुपाद की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस
मत होना अब संत जगत में कोई न पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे निताय गौरंगा निताय गौरंगा प्रभुपाद 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 ये नश्वर संसार है भाई, इससे मन को मत लगाओ, धोखा हो जाएगा। मन को हरि चरणों में लगाओ, प्रभु चरणों में लगाओ, यही संदेश है। यही गीता में भगवान ने कहा, मनमना बा मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माँ में वे शस्य युक्ता वे मत मान मत परायना, मेरे भक्त बनो। मनमना बा मद भक्तो, भगवान कह रहे मेरे को नमस्कार करो। हमारे पिता है, परम पिता है, सबके पिता है वो। माँ में विशेष युक्ता मेरे प्राण हो जाओ बस। हम सबको भगवान की शरण में आना है। एक बात और भगवान ने कही है, क्या कहा, जो मेरी शरण में नहीं आता उसके लिए फिर मैं मृत्यु बन के आता हूँ। मृत्यु सर्वसहारस्य हम, मृत्यु मन की आता हूँ, सब कुछ हरण कर लेता हूँ उसका। मृत्यु के समय सब छोड़ना पड़ता है। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो कली पावना अवतार गौर निताय पंच तत्व की, बोलो उन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज 24 तारीख है, 24 तारीख को प्रभुपाद ने शिक्षा दी थी बंबई में, ये शब्द कहे थे उन्होंने 1975 को। एक व्यक्ति जीवन भर जी जान से अपने परिवार की सेवा करता है और वृद्ध होने पर यदि वह अपनी पत्नी को की अनुमति लेता है, मेरी प्रिया पत्नी मैंने इतनी सेवा की है, अब मुझे संन्यास लेने दो। पत्नी कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगी। वह कहेगी तुमने किया ही क्या है, यह लड़का अभी तक बेरोजगार है, लड़का भूखा मर रहा है, इस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई, तुम कैसे संन्यास ले सकते हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रभुपाद ने शब्द तो नहीं कहे पर मैं ऐड कर रहा हूं, तुम नहीं ले सकते सन्यास, मैंने तो जाना है नरक में, तुम मेरे पीछे पीछे नरक में ही आना। मैंने एडिशन की है। अरे जो नारकी है वो दूसरों को नरक में ही तो ले जाता है। अच्छी देखो, जैसे एक माता हुई महारानी मंदालसा, रानी थी वो, महारानी थी, बोलो महारानी मंदालसा की, उसने 7 पुत्रों को जन्म दिया। अभी देखो इस इंदिरा गांधी ने
जब राज किया भारत में, इंदिरा गांधी मुसलमान बेचारी, इसका नाम मैमूना बेगम था, और महात्मा जी ने इसका नाम रख दिया इंदिरा गांधी। मुसलमान से उसने शादी की थी, उसका नाम था फिरोज खान, उसका नाम रख दिया फिरोज गांधी, गांधी लगा दिया साथ में। लोग बेवकूफ बन गए, इनसे बन गए प्राइम मिनिस्टर। शास्त्री को मार दिया, प्राइम मिनिस्टर बन गई। क्या किया, हिंदुओं को घटाना है, हिंदू भी पागल हैं बेचारे, भक्ति तो है नहीं, सब पागल हो गए हैं। पहले हिंदुओं के यहाँ 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, उसने नारा लगाया 2 या 3 बस, लोग 2-3 बच्चे बस, फिर हम दो और हमारे दो। वो तो मर गई, चली गई, अभी एक पर आ गए हिंदू, एक ही बच्चा, दुर्गति। ये सब दुर्गति को जाने के रास्ते हैं, पागल हो गए लोग। तो सब खुद तो न, ये जो ऐसे जिन्हें प्रभुपाद ने विमूढ़ शासनकर्ता कहा है, ऐसे लोग जो हैं खुद तो नरकों में जाते हैं, कहते हैं हम अकेले नहीं जा रहे हैं, तुम सबको लेके जाएंगे साथ में, कसले फिर उधर नाचेंगे यमदूतों के आगे जो है नाच करेंगे। बड़ी दुर्गति है, बहुत कष्ट। और हमारे ग्रंथों में जो नरकों का वर्णन है, अक्षर अक्षर सत्य है, कुछ भी झूठ नहीं है। हमारा मलिन मन कहता है, कई लोग ऐसे कहते हैं भाई किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। अरे गधे, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा तेरे को, अभी तो कहते हैं किसने देखा। ऐसे ही एक घटना हम सुनाते हैं, जब हम यहाँ के प्रेसिडेंट थे वृंदावन के 83-84 में, तो हम किसी काम के लिए मथुरा गए, तो वहाँ का जो SP था उससे मिले, कुछ काम था मंदिर का। SP कहते चलो स्वामी जी आपको हमने डकैत पकड़ रखे हैं, चलो दिखाते हैं आपको। तो हवालात में डकैत बंद किए हैं उधर। क्या देखा मैंने, किसने वायु पकड़ी है, किसने टांग, रो रहे हैं वो, आंसू बह रहे हैं उनके। मैंने SP को कहा, मैंने कहा ये क्या हालत कर दी इनकी। कहते महाराज आप जानते हैं इन्होंने कितने क्राइम किए हैं, कितने लोगों को मारा है, ये इसी के लायक है। जब उन्होंने मारा तब थोड़ा सोचा, अभी रो रहे हैं, किसने बाजू पकड़ी है, बाजू तोड़ दी, हड्डियाँ तोड़ दी है, किसने टांग पकड़ी है, रो रहे हैं वो। जब चोरी डाके मारे उन्होंने तब नहीं रोए ना, तब जो है क्या है, अभी अभी दिख रहा है। यही गति है, जीव समझता नहीं, मूर्ख जीव नहीं समझता। देखा जाएगा, जब देखना पड़ता है तो फिर छठी का दूध याद आता है, इसलिए जागना है। वो पत्नी वो ऐसी ही है जिस बेचारे ने नरक में जाना है, कहती है मैं तो नरक में जाऊंगी, तू संन्यास लेके भगवान के पास कैसे जाए, तूने पीछे पीछे वहीं आना जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं आना है तूने भी, इसलिए तुम संन्यास कैसे ले सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वास्तव में वह पत्नी का दास है। प्रभुपाद कहते हैं जो पत्नी की, वो पत्नी का दास है, परंतु वह सोचता है मैं परिवार का स्वामी हूँ, इसे माया कहते हैं। है वो पत्नी का दास, पत्नी डांट लगाई उसको तो मान गया, अच्छा नहीं लेता हूँ संन्यास, मैं तेरे साल जब पहले मैं नरक में ही जाऊँगा। है पत्नी का दास, लेकिन वो सोचता मैं परिवार का स्वामी हूँ। प्रभुपाद का एक एक शब्द जो है ना, बड़ा विचारने का है, समझने का है। तो प्रभुपाद हम सबको भगवान के पास ले जाना चाहते हैं, पर हमें भी अपना मन बनाना है, अपने मन को संसार से हटाना है, परिवार से हटाना है, विषय विकारों से हटाना है, प्रभुपाद कृपा से श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है, प्रयास करना है।
लगाते हैं, थोड़ा कभी कष्ट होता है छोड़ देते हैं, नहीं। जैसे आज ही एक लड़का मिला मेरे को, उसने प्रणाम किया मेरे को, तो कहाँ से पता नहीं आया यहाँ या नहीं आया, कहते मैं जलंधर से हूँ, जलंधर का कोई आया या नहीं आया, उसको बुलाया नहीं तूने मधुप्रिया। जलंधर का एक लड़का था ना, है? अच्छा, तो कहते मैं पहले बड़ी माला जपता था, अभी नहीं जपता, अभी छोड़ दिया। मैंने कहा तुम आना उधर। तो हमें बातों का ध्यान रखना है, प्रभुपाद हमें बचाने के लिए आए हैं, लेकिन हम नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। शिवम गोयल अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे परिवार में कोई बच्चा हो या किसी की मृत्यु हो तो उस समय सूतक पातक लग जाता है, तो ऐसे में सेवा दर्शन और जप कैसे करना चाहिए, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जप जीवन से करना चाहिए, जप करते रहना है, सेवा सुबह नहीं कर सकते, सेवा किसी को और को सौंप दो जो कोई जान पहचान का हो, जो इससे परे। शिवांगी सेनापति माता रांची से। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी इस पतित बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि सेवा में मन लगे और सेवा अच्छे से करूं। गुरु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो लोग गूंगे बहरे होते हैं उनका तो मनुष्य जीवन बेकार है, क्योंकि ना तो वो हरि कथा सुन सकते हैं ना नाम जप कर सकते हैं, तो फिर उन्हें मनुष्य जीवन मिलता क्यों है? मनुष्य जीवन तो हमें भक्ति करने के लिए मिलता है ना। शिवांगी, क्या नाम है इसका? शिवांगी सेनापति। शिवांगी सेनापति, अरे कर्म उनके आते हैं, उनको इसलिए ऐसा जन्म मिला। गूंगे बहरे बने कर्म ऐसे किए उन्होंने, कर्म प्रधान, जैसे रामायण में कहा है। कर्म प्रधान विषम करी राखा। बोलो जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस कर्म प्रधान है। शिवांगी सेनापति कर्म प्रधान है, गूंगे बहरे हैं, कर्म ऐसे किए गूंगे बहरे बन गए। समझाई शिवांगी? नहीं तेरे को जगदीश हरी प्रभु देहरादून से। महाराज जी आपकी दया, महाराज जी को दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपकी दया और इच्छा से देहरादून में प्रचार की सुंदर वृद्धि हो रही है, आपका प्रताप हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। आपकी इच्छा होने के कारण हम भगवान कृष्ण के अद्भुत चमत्कार देख पा रहे हैं। मैं आपकी सेवा के योग्य तो नहीं, योग्य नहीं अपितु आपकी आज्ञा में तुच्छ प्रयास कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा गुण आपकी प्रभुपाद जी अपने शिला गुरुदेव में शुद्ध और तीव्र निष्ठा है, हम भी गुरु में निष्ठा कैसे बढ़ा पाएं? आपकी कृपा हो जिससे आप में निष्ठा और प्रेम जागृत हो और बढ़ता जाए। गुरुपाद आश्रय नेक्टर ऑफ डिवोशन के अनुसार से बढ़े। हरे कृष्ण महाराज जी। आप जो प्रचार कर रहे हैं देहरादून में जगदीश हरी जी, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आप भी प्रभुपाद जी के चरणों में निष्ठा बढ़ाओ, उनके श्री चरणों में बार बार प्रार्थना करो, वो कृपा करें और उनके चरणों में आपका प्रेम बढ़े और आप खूब भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। नैना तिवारी माता हैदराबाद से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आप करुणा के सागर हो, आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं, मुझ अधम पर कृपा करो, मेरी माला किसी कारण आजकल नहीं हो पा रही है,
मैं चाहती हूँ मैं माला करूँ पर समय नहीं मिल पाता है। पर जैसे कि आपने अपने प्रवचन में कहा था, कुछ भी काम करते करते हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। मैं वह कर रही हूँ पर मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। मुझ अधम पर कृपा करो ताकि मैं माला ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से कर पाऊँ और आपकी लायक शिष्या बन पाऊँ। गुरुदेव इस अधम पर दया करो। हरे कृष्ण। अच्छा, तुम क्या नाम इसका? नैना तिवाड़ी। जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ जाए नैना तिवाड़ी। नैना माता, तुम्हें समय नहीं मिल पा रहा, मुझे एक बात का जवाब देना। भोजन का समय मिल रहा है तेरे को? नहीं है, जरूर मिल रहा होगा, लेकिन भजन का समय नहीं। मन की मलिनता है। कोशिश करो, भोजन करो या ना करो, पर भजन जरूर करो। भजन आत्मा के लिए है, भोजन शरीर के लिए है। शरीर कब तक चलेगा? कई मूर्ख जवाब देते हैं, जब तक भोजन करते रहेंगे। तो मरे हुए को भोजन खिलाओ और चलाओ, नहीं चल सकता। शरीर आत्मा से चल रहा है, आत्मा और आत्मा की खुराक कृष्ण का भजन है। नैना तिवाड़ी, जरूर कृष्ण का भजन करो। भोजन अगर तुम नहीं भजन कर पा रही तो भोजन भी बंद करो। देखो खुद मन कहेगा नहीं भजन करो, पहले बंद करोगे ना भोजन एक दो दिन तो मन खुद ही लग जाएगा भगवान के चरणों में। समझाई नैना तिवाड़ी तेरे को? हाँ। सृष्टि विज, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। मंडे से मेरी परीक्षाएं शुरू होंगी, आप मुझ पर कृपा करें, आशीर्वाद दें कि भक्ति मार्ग में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरी शुभकामनाएं सृष्टि विज तुम्हारे साथ। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करना। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंदलाला। ललित मुख चंद्र उजारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक मय मोर मुकट बिलसे, कनक देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजत मुँह चंग और मृदंग, ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आने। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की के गिरधर।
कृष्ण मुरारी की आरती। यहाँ से प्रगति है गंगा, कलमल हरनी श्री गंगा, धरी शिव शीष जटा के भी राधिका, गौर श्याम मुख की केशवी निरखे बनवारी की आर। चहुं दिशि गोप ग्वाल धेनु, भाज रही यमुना तट भेनु, हसत मुख मन ब्रद सुख कंद, वृंदावन चंद तेग सुन नेग भिखारी की के, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा, जय जय बोलो जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र सचरि श्रीम शिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र सचरि श्रीम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विभूति संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुर धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमय की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सांबेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री